मैं कैलिफोर्निया यूएसए में स्कूल में पढ़ता था। हमारे स्कूल में महीने में एक बार लॉकडाउन ड्रिल जरूर होती थी, लेकिन एक दिन वो ड्रिल नहीं थी। मुझे याद है मैं अपने ब्रेक पीरियड में कैंटीन में बैठकर कुछ खा रहा था, तब वो सर जो कैंटीन पे नजर रखते हैं वो कैंटीन में एंटर हुए और माइक्रोफोन पे हमें इंस्ट्रक्ट करने लगे। हमारी स्कूल लॉकडाउन में जा रही है और हमें चुप रहने के लिए ऑर्डर किया। उन सर को देख के लग रहा था कि वो जेन्युइनली डर चुके हैं, क्योंकि वो काफी सीरियस और नर्वस साउंड कर रहे थे। हम सभी बच्चों के चेहरे उतर चुके थे। मैंने अपने इर्द गिर्द बाकी के कैंटीन में बैठे हुए बच्चों पे नजर घुमाई। वो सभी वही कर रहे थे जो मैं कर रहा था। हम सब एक दूसरे को ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ देख रहे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्कूल के अंदर एक गनशॉट का एको आया और तभी सभी बच्चों में पैनिक सेट इन हुआ। कुछ बच्चे एग्जिट डोर की तरफ भागने लगे, लेकिन जो टीचर कैंटीन का इंचार्ज था उन्होंने माइक्रोफोन पर चिल्ला के बच्चों को ऑर्डर दिया कि कैंटीन टेबल्स के अंदर छुपने के लिए। फिर उन्होंने कैंटीन का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और उसके साथ ही कैंटीन की लाइट्स भी ऑफ कर दी। मैं अपने दोस्तों के साथ टेबल के नीचे बैठा रहा। मेरा हार्ट काफी जोरों से रेस कर रहा था। मुझे काफी खराब लग रहा था। मुझे पता था कि मेरी जिंदगी खतरे में है। हर एक मिनट टेंशन बढ़ते जा रहा था। हम वहाँ पे बैठकर यही होप कर रहे थे कि कोई इंटरकॉम पे कहे खतरा टल चुका है, अब लॉकडाउन खत्म होता है। फिर कैंटीन रूम के दरवाजे के अक्रॉस बच्चों की चिल्लाने की आवाजें आती है, मोस्टली गर्ल्स। फिर उसके साथ फर्नीचर और चेयर्स को गिराने या फिर मूव करने की आवाजें। मैंने और मेरे दोस्त ने टेबल के अंदर से कैंटीन रूम के दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, उसके हाथ में गन थी। फिर उसके बाद मैंने गनशॉट्स की आवाज सुनी। वो कैंटीन के ग्लास डोर पर बंदूक से गोलियां चला रहा था। वो ग्लास शायद अच्छे क्वालिटी का था इसलिए टूटा नहीं। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे याद नहीं वो ग्लास बाद में टूटा भी या नहीं, लेकिन सारे कैंटीन के बच्चे दूसरे एग्जिट डोर से बाहर निकलने लगे। सभी पैनिक में भाग रहे थे। मैं भी उस दूसरे एग्जिट डोर से स्कूल से बाहर निकला और अपने घर की तरफ भागने लगा। स्कूल के बाहर पुलिस की गाड़ी आ चुकी थी। इनफैक्ट एक नहीं बल्कि पुलिस की दो गाड़ियां आई थी। वो शायद अभी अभी क्राइम लोकेशन पे पहुंची थी। मैं भागते हुए अपने घर पे आ गया। जो स्कूल में घटना हुई है वो मैंने अपने मॉम डैड को बताई। मेरे डैडी ने टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल चलाया। न्यूज चैनल पे ये न्यूज पहले से ही चलाई जा रही थी। मिरेकुलसली सिर्फ एक ही लड़की को चोट आई थी और पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया था। आई एम सॉरी अगर ऐसी घटना से कोई गुजर चुका हो। मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी घटना से रूबरू हो।